ठंड में कामचोर बहू। दिल्ली में रहने वाली दुर्गा देवी की दो बहुएं थी, तन्वी और शायना। दुर्गा की बड़ी बहू शायना अपने नाम की नाई बेहद ही शातिर थी। वो शाम का समय था जब शायना अपनी सहेली कीर्ति के साथ शॉपिंग के लिए बिग बाजार आई हुई थी। तभी कीर्ति की निगाह कलाई में बंधी घड़ी की ओर घूमती है। ओ तेरी मर गई, शायना जल्दी कर, मुझे 7 बजे से पहले अपने घर पहुंचकर अपनी सास के खातिर खाना बनाना है। कीर्ति बड़ी झुंझलाहट के साथ शॉपिंग का झोला उठाकर घर के लिए निकल पड़ती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कीर्ति, तेरे चेहरे की हवाइयां गुल क्यों हो गई? अरे शायना तेरी आंखें हैं कि बटन, तुझे यहाँ बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असल सर्दियों की शुरुआत है। एक तो ये सर्दी हर साल सौत बनकर बिन बुलाए चली आती है, उसमें मेरी सास मुझे बहुत सताती है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े 36 फरमाइश करती है, मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। सुनकर शायना ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, हाँ सच कहा, मगर मुझे चिंता नहीं क्योंकि मेरे लिए सर्दियाँ सिरदर्द नहीं बनती। वो क्यों भला? क्योंकि मेरे पास जाड़े का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल सर्दी से बचा लेता है। ये सुनकर कीर्ति अपने कान खड़े किए कहती है, अच्छा तो मुझे भी एक आधे टिप्स देना शायना। फिर कभी। वो देख तेरे ससुराल की सीमा आ गई, बाय। शायना आगे बढ़ जाती है और फुसफुसा कर कहती है, अब इसे क्या पता कि मैं हर सर्दियाँ अपनी देवरानी और सास के शराफत का फायदा उठाकर ठंड से बचने के लिए काम चोरी करती हूँ। अचानक हो रही बूंदाबांदी बर्फबारी में बदल जाती है, जिसे देखकर कामचोर बहू कहती है, अरे ये ठंड तो कयामत ढा रही है, ऑफिस में बिना लिपस्टिक के सुंदर लगते हो, बिल्कुल पता नहीं लगता है। मुझे घर पहुंचते ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। जैसे ही शायना ससुराल के दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ठंड से ठिठुरने का नाटक करके जोर जोर से छींकने लगती है। अच्छी अच्छी, हाय हाय, अरे बहू तेरे नाक में बारूद भर गया है क्या? घर में घुसे क्षण भर नहीं हुए तुझे और छींक छींक कर हड़कंप मचा दिया है। माँ जी आप तो जानती हैं कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर छुई मुई के जैसे मुरझाने लगता है, मुझे बहुत जोरों की कपकपी चढ़ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ हाँ जा बहू, जाकर आराम कर, छोटी बहू काम संभाल लेगी। रसोई में काम कर रही तन्वी दुर्गावती की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये माँ जी भी ना झट से अपनी कामचोर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में फंसकर आराम फरमाने के लिए भेज देती है, मौत तो मेरी आएगी इन सर्दियों में बर्तन मांजने में। ये है दुर्गावती की दूसरी बहू तन्वी, जिसकी शादी पिछले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त तो नई नवेली बहू का पैंतरा आजमा कर शायना ने सर्दियों में सारे काम का बोझ बेचारी नई बहू पर मर दिया। मगर तन्वी सर्दी के उन 3 महीनों में शायना की सर्दियों में कामचोरी के किस्सों को भली भांति भाप चुकी थी। बावजूद इसके इस घड़ी बर्तन के ढेर मांजने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक तो ये ठंडा पानी, ऊपर से इस जिद्दी बर्तनों का ढेर, ऐसा लग रहा है आज इन्हें धोते धोते कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। अभी तन्वी ऐसा कह ही रही थी कि कामचोर बहू के कमरे से आवाज आती है, तन्वी प्लीज जरा जल्दी से कड़क चाय बना लाओगी, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है। अरे बहू अब बना ही रही है तो मेरे लिए भी एक कप कड़क चाय बना लाना। बेचारी नई बहू जल्दी से बर्तन मांजकर चाय बनाकर सास को देकर कामचोर बहू के कमरे में आती है, जहां पर वो मजे से बिस्तर पर पड़ी फोन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। ये लीजिए जेठानी जी चाय। थैंक यू तन्वी, मेरे सर में जोरों का दर्द है। वैसे जेठानी जी सर दर्द में इंसान की उंगलियां सर के बजाय फोन पर कब से रहने लगी? तुम कहना क्या चाहती हो तन्वी, कि मैं काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ही अपनी कामचोरी के किस्सों का राग गा रही हैं। तन्वी अपनी कामचोर जेठानी को कामचोरी के ताने मारकर चली जाती है। बावजूद इसके कामचोर बहू के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। चढ़कर सूरज के तपिश के साथ जागी हुई तन्वी एक पांव पर नाचती हुई सर्दी की रात ढलने तक काम करती है। वहीं शायना बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती है। वो सर्दी की इतवारी की सुबह थी। शायना अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। अरे तन्वी जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। जेठानी जी कि जाड़े में आपको आलस जगड़ लेता है,
अरे जानवर भी अपनी जगह झाड़ बहार कर बैठते हैं, मगर आप सर्दी में अपना कमरा भी खुद से साफ नहीं कर सकती। तन्वी, तुम जानती हो कि मेरी स्किन सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती, खड़े होते ही मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर ने मुझे अंदरूनी बुखार बताया है, बावजूद इसके तुम मुझ पे ढा कर रही हो। माँ जी देख रही है ना आप। ऐसा कहते हुए कामचोर बहू भोली भाली दुर्गावती के आगे बीमारी का राग छोड़ते हुए चीखने लगती है। अरे बड़ी बहू तू ठीक तो है? अरे तन्वी बहू इतना तंग दिल ना बन, और फिर बीमारी बताकर थोड़ी आती है। जा बड़ी बहू तू जाकर आराम कर। आखिरकार कामचोर बहू इस बार भी बच निकलती है। तभी तन्वी अपने मन ही मन में बोलती है, बस अब पानी सर से ऊपर उभर रहा है। मगर अब तन्वी ने ठान ली है कि इस ठंड में आपकी बीमारी के बहानेबाजी का पर्दाफाश करके रहूंगी। उसी शाम क्या सचमुच बिग बाजार में ब्रांडेड साड़ी की सेल लगी है? क्या आइकॉनिक मेकअप किट सस्ते में मिल रहा है? चल मैं आती हूँ। ये सुनकर कामचोर बहू कान खड़े किए भागती हुई कमरे से बाहर आती है। तन्वी तुमने जो कहा वो सच है क्या? बिग बाजार में सस्ती साड़ी और महंगे मेकअप की सेल लगी है? ये हुर्रे मजा आ गया। फिर बहू पर्स में से पैसे लेकर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस दिखता है। अरे मैडम जरा ठहरिए। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बिग बाजार जाना है, वहाँ साड़ी की सेल लगी है। मैडम जी यहाँ 3 दिन से बेतहाशा सर्दी बढ़ जाने के कारण सब्जी मार्केट से लेकर दिल्ली की दुकानें बंद है, और आप बिग बाजार की बात कर रही हैं। घर जाइए। पहले तो बहू का मुंह फीका पड़ जाता है, मगर अगले 1 मिनट के अंदर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो भागती हुई घर आती है जहाँ दुर्गा देवी असल दुर्गे का रूप धरे बैठी थी। तभी तन्वी ताने कसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी आप खाली हाथ ही लौट आई, साड़ी नहीं मिली क्या? वो अब मैं शॉपिंग करने थोड़ी गई, वो तो बस बिग बाजार के बहाने टहलने चली गई थी, डॉक्टर ने कुछ देर पहले एडवाइस किया था। सास के सामने कामचोर बहू का कच्चा चिट्ठा खुल सकता था, इसलिए बहू की बीमारियों का बहाना अब कहाँ काम आने वाला था। सास बस बहू पर अपनी बातों का बारूद बरसाते हुए कहती है, मगर बहू जरा एक बात तो बता, हफ्तों से बेड पर पड़ा एक मरीज मिल्खा के जैसे भाग कैसे सकता है? हाँ तेरा भांडा फूट चुका है बहुरानी, अब बस बंद कर ये बेफजूल के बहाने। देवरानी और सास की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसीलिए अब हर साल की सर्दी में सारा पानी का काम तेरे जिम्मे और सूखा काम तन्वी करेगी। ये हुई ना बात, जोड़ों का तोड़। सास से मिली सर्दियों में पानी के कामों को करने की सजा सुनकर कामचोर बहू का मुंह बासी सब्जी के जैसा मुरझा जाता है, और तन्वी बहू लोटपोट होकर खूब हंसती है। बेचारी ठंड में कामचोरी करने वाली बहू ठंडे पानी से बर्तन माँजते दिखती है, तो कभी कपड़े धोते हुए दिखती है। अब हर साल कामचोर बहू सर्दियों में अकेले ही काम किया करती थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ठंड में कामचोर बहू की कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली के शहर में अंजना अपने बहू बेटे के साथ बड़े खुशी से रह रही थी। अपने पति के जाने के बाद अंजना ने बड़ी मेहनत से बिजनेस और घर को संभाला, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर ले गई। आज वो जाने माने बिजनेसमैन की लिस्ट में आती है। 1 महीने पहले ही पाखी और संजय की नई नई शादी हुई थी। एक दिन अंजना उनके कमरे में आकर कहती है, अरे बहू ये देखो ये पुश्तैनी कंगन है, संभाल कर रखना, अब से तुम इन कंगन की मालकिन हो। शुक्रिया मम्मी जी। अब जल्दी से दोनों नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। माँ जी आपने नाश्ता तैयार क्यों किया, मैं बना देती ना। बहू तू भूल गई है कि तेरी शादी एक अमीर खानदान में हुई है, यहाँ तुझे मिडिल क्लास लोगों की तरह खाना बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ नौकर चाकर हैं। माँ जी आप बहुत अच्छी सासू माँ हैं। बहू भी तो बहुत प्यारी पाई है मैंने, अरे ये नालायक अभी तक सो रहा है। ये कहते ही अंजना जग से भरा पानी अपने बेटे पर डाल देती है, जिसे वो भीग कर उठ जाता है और कहता है, पाखी अब तुम भी मुझे माँ की तरह उठाने लग गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, माँ जी ही आई है कमरे में। बहुत सो लिया तू, अब तैयार हो के नीचे आ जाओ दोनों। ये कहकर अंजना चली जाती है। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अंजना कहती है, बहू मेरी बनारसी साड़ी खराब हो गई है, तू उसी की तरह एक नई बनारसी लिया, मुझे रेखा की किटी पार्टी में जाना है। ठीक है मम्मी जी मैं ले आऊंगी।
नाश्ता करने के बाद संजय अपने ऑफिस चला जाता है और पाखी ड्राइवर के साथ मॉल पहुंच जाती है। वहां से शॉपिंग करके जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक ठेले पर जामुन दिखते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे अरे रामू भैया जल्दी से गाड़ी रोकिए। अरे मैन साहब क्या हुआ? रामू भैया वो मुझे जामुन दिखे ना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बस जामुन लेकर आती हूँ, क्या है ना मुझे जामुन बहुत पसंद है। ठीक है आप ले आइए। ये कहते ही वो जामुन वाले के पास जाकर जामुन खरीद कर ले आती है और खाती है। घर पर वापस आकर कहती है, ये लीजिए माँ जी आपकी बनारसी साड़ी। अरे वाह भाई ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मेरी पसंद की पसंद बहुत अच्छी है, और ये क्या लेकर आई हो? वो माँ जी मुझे जामुन दिख गए थे ना तो मैं जामुन खाते खाते आई हूँ, ये लीजिए आप भी खाइए ना। बड़ा ही वक्त हो गया मुझे तो जामुन को देखे और खाए हुए। आहा जामुन तो बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे लाई है तू। जी माँ जी पता है माँ जी सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा जामुन ही है फलों में से। अच्छा। दोनों जामुन खा रही थी। अंजना जामुन खाकर उसके बीजों को फेंक ही रही थी कि पाखी कहती है, अरे अरे माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? रुकिए इन बीजों को फेंकिए मत। पर क्यों बहू? वो माँ जी मेरी बचपन से आदत है, मैं कभी भी जामुन के बीजों को फेंकती नहीं हूँ। हाँ कुछ देर से देख रही हूँ तू इन बीजों को फेंक नहीं रही है, पर करती क्या है ये तो बता। माँ जी मैं इन बीजों को साफ करके मिट्टी में दबा देती हूँ और पानी डालती हूँ, जिसके बाद जामुन का पेड़ उग जाएगा। अरे पागल ये पेड़ कोई दो दिन में नहीं उगता, 7-8 साल लगते हैं तब जाकर ये जामुन दे पाता है। माँ जी मुझे पता है बचपन से यही तो करती आ रही हूँ। अरे बहू मेरे साथ रहकर जामुन के पेड़ उगाने की क्या जरूरत है, हम इतने पैसे वाले हैं कि ऐसे 10 जामुन के पेड़ खरीद सकते हैं। अगर तुझे खाना है तो मुझे बता दे, मैं कल ही घर के बाहर जामुन का पेड़ लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी वो सब तो इन बीजों से ही हो जाएगा, और जो खुद उगाने में मजा है वो बाहर वालों से करवाने में क्या, आपके पैसे भी तो खर्च होंगे, ये तो फ्री में हो जाएगा। ठीक है जैसा तेरा मन करे ऐसा कर, ये ले तेरे बीज। ये कहते ही बाकी सारे बीजों को वो एक पन्नी में जमा कर लेती है और उनको धोने के बाद घर के बाहर मिट्टी में दबा देती है और पानी डाल देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार पाखी संजय के साथ पार्क में बैठकर जामुन खा रही थी तो वहीं जामुन को दबा देती है। तभी संजय कहता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम, घर में भी तुम यही कर रही थी यहाँ पर भी? अरे संजय जी मेरी आदत है जामुन के बीजों को फेंकने की बजाय दबा देती हूँ। ठीक है पर इसका कुछ फायदा भी होने वाला है कि नहीं? हमें होना हो किसी और को तो होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो लोग इस पर जामुन तोड़ कर खाया करेंगे। दोनों बातें करते हैं फिर डिनर करके चले जाते हैं। आए दिन पाखी संजय से जामुन मंगा कर खाया करती थी। 7 साल बीत जाते हैं। पाखी का बेटा भी 7 साल का हो जाता है। इन दिनों अंजना बहुत बीमार थी। अचानक से घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टी बिजनेस घर हर चीज से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। संजय वकील से कहता है, वकील साहब मैंने सारे टैक्स भरे थे फिर इतना बड़ा बवंडर कैसे हो गया? मिस्टर संजय काफी टाइम से आपके टैक्स नहीं भरे, जरूर कोई है जिसने टैक्स नहीं भरा, आपको धोखा दिया है। वकील साहब अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? नहीं संजय जी। पाखी अपने बच्चे सास और पति के साथ सामान लेकर गुजर रही थी। बेटा अब हम कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे? पता नहीं माँ कोई ठिकाना ही नहीं है, सब चीज कब्जे में ले ली। मालकिन आप मेरे होते हुए ऐसे रोड पर भटके ये बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप मेरे घर में आकर रह लीजिए। अरे नहीं नहीं रामू हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। मालकिन आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? जब तक कुछ मिल नहीं जाता आप हमारे घर में रह सकती हैं आराम से। रामू की बात सुनकर सभी लोग उसके घर पर रहते हैं। सुबह के समय रामू पाखी को जामुन लाकर कहता है, आपको जामुन पसंद है ना, ये लीजिए खाइए। रामू भैया सुबह सुबह कहाँ से ले आए इतने सारे जामुन? हमारे घर के बाहर आपने ही तो जामुन का पेड़ लगाया था, वहीं से तोड़कर लाया हूँ मालकिन। क्या सच्ची? माँ जी संजय
हमारी मुसीबतों का हल हमें मिल गया, अब हमें इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे क्या हो गया बहू जो तू इतना खुश है? माँ जी, संजय जी, आप दोनों कहते थे ना मेरे जामुन के बीजों से पेड़ उगाने का क्या फायदा है, आज वो चीज हमारे काम आएगी। भला कैसे? संजय जी, अब हमें ना खाने की दिक्कत होगी ना रहने की। मैं सोच रही थी उन जामुन के पेड़ों से हम जामुन बेच देते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमारी शुरुआत होगी। अरे वाह बहू, सच में आज तेरे जामुन हमें काम आएंगे, हम सास बहू मिलकर जामुन बेचा करेंगे। मम्मा, मुझे भी जामुन खिलाओ ना। ले बेटा, खा ले जामुन। अगले दिन से ही रामू और संजय उगाए हुए पेड़ों से खूब सारे जामुनों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर सास बहू ठेले पर जामुन बेचने लगती हैं। जामुन ले लो जामुन, ताजा ताजा मीठे मीठे जामुन। ये बेहद ही मीठे और सस्ते जामुन हैं, सिर्फ 20 रुपए किलो। आइए आइए जामुन लीजिए। अरे आप तो बहुत सस्ते जामुन दे रहे हैं, जरा 1 किलो कर दीजिए। इस तरह उसके मीठे और सस्ते जामुन की वजह से ग्राहक ज्यादा आते हैं। देखते ही देखते पहले दिन की बहुत ज्यादा कमाई होती है। धीरे धीरे सास बहू मिलकर जामुन बेचती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही संजय को भी काम मिल गया था और अब वो अपना नया घर खरीद लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कम देर रात अपने दफ्तर से जैसे ही घर में दस्तक देता है, उसके दोनों बच्चे टेबल बजाकर कहते हैं, डैडी आ गई, डैडी आ गई। डैडी, बहुत दिन हो गए, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा मन है। डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी, बहुत दिन हो गए, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा मन है। आज नहीं बेटे, फिर कभी। आज डैडी बहुत थक गए हैं। विक्रम, अगर बच्चों का मन है तो ले चलो ना उन्हें। और जो इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? देखो बच्चों, प्रतिदिन बाहर के खाने से पेट भरना ठीक नहीं है। ज्यादा जंक फूड का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, समझे? विक्रम, तुम भी ना। अरे अगर एक दिन बच्चे बाहर का खाना खा लेंगे तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? तुम बिजनेसमैन के लिए इतने से खाने की बर्बादी कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हमें किस चीज की कमी घटी है जो तुम इतना सोच रहे हो? मान्यता, शायद तुम्हारी इसी सोच से हमारे दोनों बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। घर का बना खाना इन्हें फीका जान पड़ता है। एक काम करो, ये सारा खाना टिफिन में भर लो, इसे किसी गरीब की भूख मिट जाएगी। विक्रम मान्यता और दोनों बच्चों की जिद के आगे घुटने टेक देता है। तीनों कार में सवार होकर डिनर के लिए बड़े से 5 सितारा होटल में चले जाते हैं। रास्ते में विक्रम अपनी गाड़ी एक मंदिर के बाहर रोकता है, जहाँ एक अपाहिज भिखारी अपनी चरखी पर बैठा भीख मांग रहा था। विक्रम उसे देखकर गाड़ी रोकता है। अरे दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे, अरे तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सुनो भाई, ये खाना एकदम ताजा है, इसे तुम रखो। बड़ी मेहरबानी साहब, इस खाने से मेरे दोनों भूखे बच्चों की भूख मिट जाएगी। रात इतनी हो चुकी थी, अगर आज आप ना आते तो न ये खाना नसीब होता, न ही मेरे भूखे बच्चों के पेट की आग बुझ पाती। पैरों की अपंगता ने भूख के लिए बेरोजगार से भिखारी बना दिया है मालिक। अगर अभी मैं ना आता तो? तो क्या साहब, आज खाने की जगह पानी से ही पेट भरना पड़ता। ये हम गरीबों की खातिर आम बात है, मगर देने और दिलाने वाला तो ऊपर बैठा है। लंगड़ा बेबस भिखारी खाना लेकर घर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम फैमिली के साथ 5-स्टार होटल में आकर ऑर्डर देता है। एक चीज पिज्जा, फुल फ्रेंच फ्राइज और साथ में कोक भी ले आइए। हाँ, और जरा जल्दी कीजिए। कुछ ही पलों में टेबल पर उनका ऑर्डर किया आता है। अयांश और अव्या मजे से खाने लगते हैं। वहीं होटल के बाहर आशीष और भारती नाम के दो गरीब भूखे भाई बहन उन्हें एक टक निहार रहे थे। It's so yummy, Daddy. सचमुच ये फ्रेंच फ्राइज तो एकदम टेस्टी है। अव्या, तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा टेस्टी तो मेरा पिज्जा है। अगले ही पल दोनों खाना रोक देते हैं, जिसे देख विक्रम कहता है, अरे ये क्या, आधा अधूरा खाना खाने के खातिर तुम यहाँ आने की जिद कर रहे थे, जल्दी से ये सारा खाना फिनिश करो। नो डैडी, इट्स टू हैवी। हाँ डैडी, इससे जरा भी ज्यादा हमने खाया तो हमारा पेट फट जाएगा। बस तुम भी ना विक्रम, जरा से ही खाने के लिए खामखा मेरे बच्चों पर बिगड़ रही हो। अरे इस होटल में डस्टबिन की कमी थोड़ी है, जाओ बच्चों इसे डस्टबिन में डालाओ। अयांश और आव्या बचा खुचा खाना होटल के बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं।
तभी आशीष और भारती जैसे उस डस्टबिन में कूद पड़ते हैं और इसे खाने को निकाल कर होटल के बाहर ही बैठकर खाने लगते हैं। तभी आयांश और आव्या उन्हें ऐसे खाता देख नाक भौंहें सिकोड़ कर कहते हैं, छी 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 छी, आव्या कितने गंदे हैं ये भूखे भिखारी, देखो कैसे हमारा झूठा खाना डस्टबिन से निकाल कर खा रहे हैं। इनके मैले कुचले कपड़े और इनका हुलिया तो देखो, जैसे सालों से नहाए ना हो। शट अप आयांश और आव्या, ये मत भूलो वो दोनों तुम्हारे ही जैसे बच्चे हैं। भूख इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। शायद खाने के कीमत का एहसास क्या होता है तुम्हें इस कारण का पता ही नहीं, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन बाप के बच्चे हो। इसके बाद वो चारों कार में सवार होकर घर का रुख करते हैं। तभी तेज तूफानी बरसात शुरू होती है जिससे सारे रास्ते बंद पड़ जाते हैं। तभी वही दोनों बच्चे उन्हें रास्ते के बीचों बीच आते दिखाई देते हैं। विक्रम बाहर निकल कर कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों वही हो ना जो होटल के बाहर हमें मिले थे। हाँ अंकल, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल बरसात के कारण मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है और फिर आगे के रास्ते भी बंद पड़ गए हैं। अंकल, आप और आपका परिवार चाहे तो हमारे घर चल सकता है। यहाँ पास ही की बस्ती में हम भाई बहन का छोटा सा बसेरा है। क्योंकि इस सुनसान सड़क पर देर रात तक रहना मुनासिब नहीं। अक्सर यहाँ चोर उचक्के आप जैसे रईसों की ताक में रहते हैं कि कब आप जैसे लोग यहाँ से गुजरे और वो उन्हें लूट सकें। चलो बच्चों। विक्रम के मुंह से हामी भरते देख मान्यता उसे रोककर खुसर फुसर करते हुए कहती है, विक्रम दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम अच्छे से जानते हो कि गरीबों की बस्ती में कितनी बदबू होती है। हमारे बच्चे रात भर कैसे एडजस्ट करेंगे वहाँ? शट अप मान्यता, तुम्हें इन बच्चों का एहसान मानना चाहिए। इन्होंने हमको पनाह देने की पहल की जबकि हमारे बच्चों ने होटल के बाहर इनके संग कितना बुरा बर्ताव किया। विक्रम अपने परिवार समेत उन गरीब बच्चों के घर आता है और उनका पिता बिरजू कहता है, अरे बच्चों आ गए तुम दोनों। अरे तुम तो वही भिखारी हो ना जो कुछ घंटों पहले मंदिर के बाहर मिले थे, तो क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मालिक, मैं ही इन दोनों गरीब बच्चों का बेबस बाप हूँ। भारती जल्दी जल्दी घर समेट कर उन्हें बैठने को कहती है। विक्रम कई घंटों तक बिरजू से बातें करता है। तभी आव्या कहती है, डैडी इनके घर में कितना डस्ट है, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। डैडी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। भारती बिटिया बच्चों को खाना दे दो। भारती जल्दी से थाली में खाना निकाल कर उन्हें देते हुए कहती है, लो आयांश खाना खा लो। खाना देखकर आयांश बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कहता है, अरे हटाओ इसे, मुझे नहीं खाना ये फीका सा दाल चावल, ये तो देखने में ही कितना भद्दा बुरा है। हाँ ये ले जाओ, हमारे डैडी हमारे कहने पर एक बार में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देंगे, है ना डैडी? बिल्कुल भी नहीं, देखो बाहर कितनी भारी बारिश है, ऐसे में खाने को दूर दराज तक कुछ भी नसीब नहीं होगा, चुपचाप ये खाना खा लो। शुरुआत में तो दोनों भाई बहन उस खाने को आनाकानी करते हैं, मगर हर एक मिनट के साथ उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब एक घंटा बीत चुका था, दोनों भूख से बिलबिलाने लगते हैं और सामने से खाने की मांग करते हैं। आशीष खाना बचा है क्या? भूख के मारे मेरे पेट में जोरों की कबड्डी मच रही है। आशीष बचा खुचा खाना थाली में उड़ेल कर आयांश को परोसते हुए कहता है, लो दोस्त इस अचार से खाने का फीकापन एकदम खत्म हो जाएगा। जब भी हमारे घर में साग सब्जी के पैसे नहीं होते या जिस रोज मंदिर के भी खाने की कुछ नहीं मिलता तो हम रोटी बनाकर अचार के संग खा लेते हैं। ऐसा क्या? आयांश जैसे ही खाने का पहला कौर खाता है उसके मुंह से खाने के बखान की बौछार बरसती है। सचमुच ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना यमी तो होटल का पिज्जा नूडल्स भी नहीं होता। ये सुनकर आव्या भी खाने पर टूट पड़ती है। दोनों को ऐसे चाव से खाते देखकर मान्यता को गरीब बच्चों की भूख और उनकी बेबसी समझ में आती है। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। भारती उनके लिए रोटियां बनाकर देते हुए कहती है, ये लीजिए साहब, मैंने इसमें रोटियां बांधी हैं, सफर में भूख मिटाने के काम आएगी। शुक्रिया बच्चों, आज तुमने मेरी आंखों पर चढ़ी अमीरी की पट्टी उतार दी, आज जाकर मुझे खाने की कीमत समझ आई है। गरीब का खाना मान्यता को खाने की कदर बयान कर देता है, जिसके बाद मान्यता और उसके बच्चे भविष्य में फिर कभी खाने की बर्बादी नहीं करते। साथ ही विक्रम बिरजू के बच्चों की देखरेख का भार उठाने लगता है। भाभी अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, बस कुछ ही समय में मैं यहाँ से चली जाऊंगी ताकि भैया को मेरे इस राज के बारे में पता ना चल सके। अरे सीमा आखिर तुम इस हालत में कहाँ जाओगी, जरा अपने आप को देखो, अब तुम्हारा पेट दिखने लगा है। लेकिन भाभी अगर मैं इस घर में भैया के सामने और रहूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा और उन्हें मेरा ये राज पता चल जाएगा। सीमा मेरे दिमाग में एक प्लान आया है,
मानवी सीमा को अपने प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सीमा प्लान के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही शाम को प्रवीण ऑफिस से घर आता है, सीमा अपने भाई प्रवीण से कहती है, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल कॉलेज की तरफ से मुझे 1 साल के लिए शहर में जाकर पढ़ाई करनी होगी। लेकिन बहन, तुम अकेले शहर में कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूंगा? दरअसल शहर में मेरी कुछ सहेलियां अपने परिवार के साथ रहती है। आप डरो मत, मैं उनके साथ रहूंगी, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। सीमा शहर जाने की जिद पकड़ लेती है, जिसके बाद प्रवीण को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। चलो ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करना। सीमा बहुत खुश होती है और अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे अब कौन आ गया, मैं ही देख लेता हूँ। प्रवीण दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर एक बुरखे में औरत खड़ी होती है। जी कहिए, आप कौन है और आपको किससे मिलना है? तभी मानवी आती है और प्रवीण से कहती है, अजी ये मेरी दोस्त है, कुछ समय के लिए मेरे पास रुकने आई है। मानवी बुरखे वाली औरत को अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो प्रवीण को कमरे में लेकर जाती है और उससे कहती है, देखिए मेरी सहेली अभी गर्भवती है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी देखभाल के लिए मैं उसे यहीं बुला लूं। उसे यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, आखिर ये औरत भी तो मेरी बहन की तरह है। ऐसा कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मानवी बुरखे वाली औरत को सीमा के कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही वो औरत अपना बुरखा ऊपर करती है, वो और कोई नहीं बल्कि सीमा ही होती है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भैया तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, अब तुम अपने पूरे 9 महीने आराम से निकाल सकती हो। आखिर एक भाभी होकर मानवी अपनी ननद की प्रेगनेंसी अपने पति से क्यों छुपा रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह, अजी ये लीजिए, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है। अरे तुम्हारी जो सहेली आई हुई थी, क्या वो अभी तक नींद से जागी नहीं है? अजी गर्भवती के चलते डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में वो उठ जाएगी। प्रवीण के जाने के बाद सीमा बुरखे के साथ बाहर आती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी अच्छा हुआ आपने भैया को संभाल लिया, अब मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा का कुछ समय बीतने लगता है और वो बुरखे की मदद से अपने यहाँ गर्भवती के कुछ महीने आराम से बिता लेती है। कभी चटपटे गोलगप्पे खाके तो कभी अपनी भाभी के हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाकर, देखते देखते गर्भवती अवस्था में पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन सीमा अपनी भाभी से कहती है, भाभी 8 महीने गुजर गए हैं, बस 1 महीने की और बात है, फिर ये बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेगा और हमें पूरे 25 लाख रुपए मिलेंगे, जिनसे मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। सीमा, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तुम जल्दी से जल्दी अपने सपने को साकार करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अरे आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसी बात पर भाभी जी मुझे अपने हाथों से गरम गरम पकौड़े खिला दो। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी ननद को गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर जरूर खिलाऊंगी। मानवी रसोई में पकौड़े बनाने जाने ही वाली होती है कि तभी सीमा के फोन पर एक कॉल आती है। अरे वाह शेरू, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तो बताओ कैसे फोन करना हुआ? फोन की दूसरी तरफ शेरू बहुत ज्यादा घबराया हुआ और परेशान होता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सीमा वो दोनों भाग गए, अलीना और जैकी दोनों मुंह छुपाकर भाग गए और वो इंडिया कभी नहीं आएंगे। ये सुनते ही सीमा के हाथों से फोन गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो अपना बच्चा लिए बिना यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? मैं उनको यहाँ से नहीं जाने दे सकती। अरे सीमा आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। अलीना और जैकी दोनों अपना बच्चा छोड़कर मुझे फंसाकर यहाँ से चले गए। सीमा तुरंत अपना बुरखा उतारती है और उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो सड़कों पर आती जाती गाड़ियों में उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में सीमा का भाई प्रवीण उसे देख लेता है।
अरे सीमा तू यहाँ? और ये सब क्या है? ये तूने अपनी हालत क्या बना रखी है? सीमा को कुछ समझ नहीं आता और वो रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है, जिसके बाद प्रवीण उसे वापस घर लेकर आता है। तुम दोनों ननद भाभी ने मुझसे जितने झूठ बोलने थे बोल लिए, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिर ये सब कैसे हुआ? एक दिन मैं अपने डांस कॉम्पिटिशन से वापस आ रही थी। आप तो जानते ही हो कि मैं हीरोइन बनने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे मुंबई जाकर हीरोइन बनना था। तभी मुझे एक दिन अलीना और जैकी मिले। वो एक ऐसी औरत ढूंढ रही थी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। वो दोनों एक औरत की कोख में अपना बच्चा रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए देने का वादा किया था। मैंने सोचा 9 महीने उनकी औलाद को अपने पेट में पालकर उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन वो तो मुझे धोखा देकर यहाँ से चले गए। सीमा ये तूने क्या कर दिया मेरी बहन? समाज में लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बहन बिन ब्याही माँ है? देखिए मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी ननद बिन ब्याही जरूर है, पर इसमें मेरी ननद की कोई गलती नहीं है। प्रवीण को कुछ समझ नहीं आता और वो अलीना और जैकी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद 9 महीने बीत जाते हैं और अब सीमा एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जो दिखने में बिल्कुल गोरो की तरह होता है। कितना सुंदर बच्चा है, इतना सुंदर बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। जैसे ही मानवी बच्चे को गोद में उठाती है, वे उस बच्चे को देखती ही रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। जिसके बाद मानवी अपने पति प्रवीण से कहती है, तो क्या हुआ, सीमा बिन ब्याही है, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा, आज तक हमें कोई औलाद नहीं हुई। हमारी शादी को कितने साल हो गए, लगता है ये भगवान की ही मर्जी थी। उन्होंने इस मासूम जान को हमारी झोली में डाल दिया। हम इस बच्चे को हमारा नाम देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर सीमा को बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद प्रवीण और मानवी दोनों सीमा के बच्चे को अपना नाम देते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में धनपत राय नाम का एक मुखिया था, जो कि अपने गांव के लोगों को किसी न किसी कर के नाम पर लूट लूट कर खाता था। तो कभी जमींदार का पैसा उनसे हथियाने आया करता था। कड़कड़ाती ठंड का मौसम आ चुका था, जहां गांव में अब हल्की हल्की ओस और बर्फबारी होना भी शुरू हो गई थी। काफी लोग ठंड से जूझ रहे थे और आधे लोगों के घर तो कच्चे थे। तभी कुएं से पानी भरती हुई कांपती हुई शांता कहती है, बाप रे बाप, मेरा तो मन ही नहीं करता कि अब कुएं से पानी भी भर लूं। हाथ ऐसे झनझना रहे हैं कि पूछो मत। अरे तेरा तो पानी भरने का मन नहीं करता, मुझे तो कपड़े भी धोने पड़ते हैं। हफ्ते में 4 बार पानी में हाथ डालने की हाथ ऐसे जमते हैं जैसे कि किसी ने हाथों पर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। एक तो समझ नहीं आता, पता नहीं कैसा मुखिया है, खुद तो इतना अमीर होकर अपने शौक पूरे करता है, मोटे ऊनी कपड़े पहनता है। कल देखा था कैसे नवाब बनकर जा रहा था, और हमारे लिए गांव में उसने किसी को भी ऊनी व्यापार नहीं करने दिया। पूरे गांव ठंड से कांपता है। तू सही बोली, मेरे पति और राजू को मैं कंबल में रखती हूँ। खैर ठंड लग रही है, अपने अपने घर में चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर चली जाती है। वहीं फिर से मुखिया गांव के लोगों के सामने आकर कहता है, चलो चलो सब अपने जमीन का कर निकाल कर रखो, मेरे सामने 500-500 की पत्ती रखो। मुखिया जी, हमारे घर में खाने का एक अनाज नहीं है, पिछले हफ्ता ही आपको कर की भारी रकम दी थी, फिर काहे लेवत हो। हाँ मुखिया जी, थोड़ा रहम खाइए हम पर। आप हमारे सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का आदान प्रदान बाहर करा दीजिए, अगर जा नहीं सकते तो। क्या बोला तुमने? मैं इस गांव में बाहर की मशीन लाऊं ताकि तुम अमीर हो जाओ? नहीं नहीं नहीं, और अगर मैंने गांव को थोड़ा सा और विकसित कर दिया तो तुम सब तो कंट्रोल में ही नहीं रहोगे। हाँ मुखिया जी, हमें मौका दीजिए, हमारे साथ इतना जुल्म मत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, वो बिना मोजे मफलर स्वेटर के बिना नहीं रह पाते हैं। हम कितना अपने हाथ से बना बना कर पहना देंगे, बोलिए। बस बहुत बकवास सुन ली, पैसे नहीं दिए तो गांव से बेघर कर दूंगा। ये सुनकर सभी लोग मुखिया के सामने पैसे रख देते हैं, जिसे गिनते हुए वो कहता है, ये क्या 550, 650, 1000, हाँ पूरे पैसे हैं। अरे वाह,
पैसे मिल गए, चलो चलता हूँ अब। अरे मुखिया जी, हमें लूट कर तो जा रहे हो, हम लोगन पर कछु कोनु कपड़ा नहीं है गरम वाला। अरे मेहरबानी तो कर जाइए आप। हाँ मुखिया जी, अरे हमरे छोटे छोटे बालकन के ही बारे में सोच लो, वो थोड़ी दिसंबर की ठंड झेल पाएंगे। तुम गांव वालों की बहुत जुबान चलने लगी है अब। बताता हूँ तुम लोगों, हाँ तुम लोगों को बड़े स्वेटर चाहिए है ना, दो चार हंटर की मार पड़ेगी तो सारी गर्मी मिल जाएगी। भैरव कमल आकर बजाओ जरा इन लोगों को। ये कहकर मुखिया के आदमी मासूम गांव वालों को मारने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ऊनी वस्त्रों की मांग की थी। वक्त बीतता है, मुखिया लोगों को इसी तरह से परेशान करके उनसे पैसा लेते रहता था। इसी बीच उस जंगल में एक गुफा थी। 6 महीने बाद एक राक्षसी चुड़ैल इस गुफा से बाहर आती है, खाने के लिए पूरे गांव में भटकती है, जहां वो कुछ औरतों की बातें सुनती है। हे भगवान, कैसा निर्लज कठोर दिल का मुखिया है, जिसे अपने बच्चे परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। अरे पूरे गाँव को अविकसित कर रखा है, जहाँ कोई भी अपने मर्जी का कुछ भी पहन नहीं सकता, ना बाहर की चीजें खरीद सकता है। शांत रूपाली, शांत हो जा, हमें जंगल की लकड़ियों को काट काट कर ही सर्दी में बचना होगा। तूने सही कहा, लेकिन आग जलाना भी कब तक सीमित होगा, इससे लकड़ियों की कटाई होती है और प्रदूषण बढ़ता है। ये देखकर चुड़ैल पेड़ पर बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और नेक दिल होने के कारण कहती है, बाप रे बाप, ये लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा दिल जला मुखिया तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने गांव की जनता को इतना परेशान करता है। लेकिन मैं इन्हें सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े जरूर दूंगी। ओम भीम क्रीम हीम से बचा, इन लोगों को शीत मंत्राय सुरक्षितम भट्ट स्वाहा। चुड़ैल के ये मंत्र बोलते ही अचानक से गर्म कपड़ों की बारिश होती है, कहीं गर्म मोजे तो कहीं गर्म टोपा, कहीं रंग बिरंगे स्वेटर हर प्रकार के आसमान से गिरते हैं। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। अरे रूपाली चमत्कार हो गया, तेरे ये कहते ही गर्म कपड़ों की बारिश होने लग गई, ऐसे तो हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और हम भी खुश हो जाएंगे क्योंकि शॉल स्वेटर मफलर भी हमारे लिए है। चलो जल्दी से उठा लेते हैं। ये कहकर आसपास के लोग गर्म कपड़ों को उठा लेते हैं और घर जाकर अपने बच्चों को पहना देते हैं। ये देखकर चुड़ैल कहती है, मैं खुश हूँ, इन लोगों को खुश देखकर इन्हें गर्म कपड़ा देने से मुझे जो खुशी हुई है मैं बयां ही नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे सुकून का काम किया है। पूरे गांव के लोगों के लिए गर्म कपड़ा बनाना चाहती हूँ और इनके सामने गर्म कपड़ों की बारिश करना चाहती हूँ। तभी रूपाली और यशोदा गांव में जाकर लोगों को गर्म कपड़ों की बारिश के बारे में बताते हैं। ये सुनकर गांव के बाकी लोग अचंभित हो जाते हैं और रूपाली उन सभी लोगों को उसी पेड़ के पास लेकर पहुंच जाती है और कहती है, मेरा विश्वास करो, मैं जब इस पेड़ के पास आई थी और मैंने कहा था कि गर्म कपड़ों की कमी से बारिश हो जाए, तो यहीं से ही गर्म कपड़ों की बारिश हुई थी। तुम भी बोल कर देखो। ठीक है, जैसे इन लोगों को गर्म कपड़ों की बारिश की है, वैसे ही हमें भी गर्म कपड़ों की बारिश कर दो, जिससे मेरे बच्चे और मैं भी गर्म कपड़े पहनकर काम कर सकूं। लगता है फिर से गर्म कपड़ों की बारिश करनी होगी मुझे। ओम भीम क्रीम हीम से बचा, इन लोगों को शीत मंत्राय सुरक्षितम भट्ट स्वाहा। चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही जैसे ही वो अपना हाथ आगे करती है, लोगों पर गर्म कपड़ों की बारिश होने लगती है। ये देखकर शांता उस मुलायम स्वेटर को अपने गले से लगाकर कहती है, अरे वाह, भले ये चमत्कार कैसे हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा मुलायम है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस तरह जब किसी भी गांव के व्यक्ति को गर्म कपड़ा चाहिए होते थे तो वो उसी जगह पर आकर गर्म कपड़े की मांग करता था और चुड़ैल उनकी बातें सुनकर हमेशा गर्म कपड़ों की बारिश कर दिया करती थी, जिससे वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। पर ये बात मुखिया के कानों तक पहुंचती है तो वो सुलगते हुए कहता है, और इस गांव के लोग कपड़े कैसे पहनने लग गए, वो भी इतने अच्छे अच्छे। मैंने तो इन सबको मना करके रखा था कि बाहर का कोई भी कपड़ा यहाँ नहीं आएगा, इसलिए तो मैं इन्हें व्यापार भी नहीं करने देता हूँ, पर अब मैं इनके कपड़ों को जला दूंगा, चाहे ठंड से मर क्यों न जाए ये लोग।
ये बोलकर मुखिया अपने आदमी के साथ उनके घर की ओर जाता है और जैसे ही उनके गर्म कपड़ों को जलाने की कोशिश करता है तभी चुड़ैल आकर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई निर्लज्ज लालची मुखिया, तुझे इन लोगों से कोई प्यार नहीं है इसलिए तूने अपने गांव के लोगों को कड़कती सर्दी में मरने के लिए छोड़ रखा है। भला ये कहाँ की समझदारी है, तूने लोगों को बहुत मारा है ना, अब मैं तुझे बताती हूँ कि सर्दी और हंटर की गर्मी क्या होती है। ऐसा बोलकर चुड़ैल उसके गर्म कपड़े गायब कर देती है और हंटर से एक के बाद एक मार कर उसे हवा में पटकते रहती है और ये नजारा पूरा गांव देख लेता है और भाप जाते हैं कि उनकी मदद एक चुड़ैल कर रही होती है। इसका मतलब अब तक हम पर गर्म कपड़ों की बारिश करने वाली कोई और नहीं बल्कि ये चुड़ैल है, इसने हम सबकी जान को बचाया है। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चुड़ैल, गांव वाले आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कोई बात नहीं, पहले इस मुखिया को सबक सिखा दो मैं। अरे मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे। ऐसे नहीं, तूने बहुत नाइंसाफी की है, इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अरे चुड़ैल, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, अरे मुझे माफ कर दे, मैं गांव वालों से माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने इस गांव के विकास के बारे में नहीं सोचा, अब मैं यहाँ व्यापार करवाऊंगा। सच में करवाएगा ना? खुदा कसम करवाऊंगा। ठीक है गाँव वालों, इस मुखिया को उसका सबक मिल चुका है, अब मुझे जाना होगा, पहले मैं आप सबके लिए फिर से गर्म कपड़ों की बारिश करना चाहती हूँ, तो ये लीजिए। शुक्रिया, तुम एक बहुत अच्छी चुड़ैल हो, तुम नहीं होती तो हम सब तो ठंड से कांपते हुए ही रह जाते। चुड़ैल के मंत्र बोलते ही चुड़ैल गर्म कपड़ों की बारिश कर देती है जिससे सब अपने अपने मन पसंद के कपड़े उठाकर पहन लेते हैं और वो चुड़ैल वापस अपने गुफा में चली जाती है। कुछ समय बाद मुखिया गांव में नए नए रोजगार लाकर उन्हें विकसित कर देता है।